तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यन टेक एंड गेमिंग। एंड आज आ चुका है मेरे पास मोटरोला की तरफ से मोटो G73। एंड दोस्तों, ये एक 5G फोन है। एंड आज की वीडियो में करने वाला हूँ इसका फुल रिव्यू, साथ साथ यहाँ पे इसकी प्राइस की बात करें तो ये 18,000 रुपीज का है। एंड इस प्राइस रेंज में हमें काफी कॉम्पिटिशन देखने मिल जाते हैं। साथ साथ आज की वीडियो में सभी बात आपके सामने रखूंगा, सारी चीजें बताऊंगा, एक ट्रांसपेरेंट क्विक रिव्यू होने वाली है इस फोन की। तो बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। एंड आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो बढ़ते इस वीडियो में आगे, सो लेट्स स्टार्ट। तो डिजाइन की बात करें दोस्तों, तो यहां पे मेरे पास ये ब्लू कलर अवेलेबल है। एंड यहां पे आपको एक व्हाइट कलर भी देखने को मिल जाता है, जिसे लूसेंट व्हाइट कहते हैं, तो आप उस कलर को भी चेक कर सकते हो। मस्त में यहां पे दो कलर देखने को मिलते हैं। एंड रैम वेरिएंट की बात करें तो सिर्फ 8/128 GB का ही वेरियंट यहां पे अवेलेबल मिल जाता है, तो आपके पास रैम में यहां पे ज्यादा चॉइसेस नहीं रहते हैं। लेकिन इसकी डिजाइन की बात करें तो ये काफी लाइट वेट निकल के आता है, इसका वेट सिर्फ 183 ग्राम्स है। एंड दोस्तों, मैं बता दूं कि यहां पे ये काफी कंफर्टेबल फील होता है, ग्रिप अच्छी बनती है, एंड एडिशनली हाथ से स्लिपरी फील नहीं होता है। साथ साथ मैट फिनिश दी गई है, तो उसके कारण यहां पे फिंगरप्रिंट के स्मजेस भी नहीं लगते, ये भी सब कुछ सॉर्टेड निकल के आता है। बिल्ड की बात करें तो यहां पे फुल प्लास्टिक बॉडी आपको देखने मिल जाती है, साथ साथ IP54 स्प्लैश रेजिस्टेंट के साथ आता है, तो हल्के फल्के पानी के जो छींटे हैं ना, तो उससे ये बचा लेगा। साथ साथ यहां पे अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल मिनिमल सा देखने को मिलता है, मोटोरोला के स्टाइल में यहां पे डिजाइन दिया गया है। साथ साथ पोर्ट्स एंड बटन्स के मामले में यहां पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, SD कार्ड वगैरह लगा के आप मेमोरी एक्सपैंड मस्त कर सकते हो। एडिशनली बात करें तो यहां पे 3.5 mm का जैक भी दिया गया है, तो आप मस्त यहां पे गेमिंग, वायर्ड गेमिंग कर सकते हो इस फोन के साथ। तो ओवरऑल डिजाइन के मामले में मुझे इसकी डिजाइन अच्छी लगी है, यहां पे एक मिनिमल डिजाइन निकाल के ये दे देता है। तो डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हमें 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने मिलती है, साथ साथ 120 हर्ट्ज का मस्त बटरी स्मूथ डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। एंड बात रही 120 हर्ट्ज की, तो यहाँ पे सभी एप्लीकेशन में एनिमेशन जो है बहुत ही स्मूथली वर्क करते हैं, एंड सभी एप्लीकेशन में 120 हर्ट्ज का भी मजा आप ले सकते हो। एडिशनली मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे सिर्फ कैमरा एप्लीकेशन है, वहां पे थोड़ी सी जिटरिंग देखने मिलती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग के टाइम, अदरवाइज यहाँ पे 120 हर्ट्ज मस्त निकल के आ जाता है। आगे बात करें दोस्तों, यहाँ पे HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन नहीं दिया गया, Netflix पे आप फुल HD में स्ट्रीमिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे IPS LCD के हिसाब से व्यूइंग एंगल्स में कोई टिंट भी नहीं आते, कलर्स भी मस्त निकाल के दे देता है IPS LCD के डिस्प्ले के हिसाब से। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया दोस्तों कि यहाँ पे जब आप HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हो तो वहां पे सिर्फ 480 का ही रिजोल्यूशन देखने मिलता है, वही बात रही नॉर्मल कंटेंट की तो आप सिर्फ 2K पे रिजोल्यूशन पे यहाँ पे स्ट्रीमिंग कर सकते हो, तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन लेके आता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि इसको सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू यहाँ पे फिक्स किया जा सकता है, तो ये चीज भी मस्त निकल के आ जाती है। यहाँ पे दोस्तों 600 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, एंड आउटडोर विजिबिलिटी में IPS LCD की जो डिस्प्ले आती है ना, उसके हिसाब से इसकी डिस्प्ले मस्त लगी है, आउटडोर विजिबिलिटी में कोई भी ज्यादा इशू नहीं आती। साथ साथ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी अच्छी देखने को मिलती है इस फोन के साथ। एंड एडिशनली यहाँ पे आपको पंच होल डिस्प्ले दिया गया है, जो कि इस प्राइस रेंज के कॉम्पिटिशन्स में आपको यू शेप या वी शेप नॉच दिया जाता है, तो ये चीज भी यहाँ पे सॉर्टेड फील हो जाती है। आगे बात करें दोस्तों हैप्टिक्स की, तो स्प्रिंग वाले हैप्टिक्स दिए गए, लेकिन इंटेंसिटी जो है हैप्टिक्स की वो बहुत ही तगड़ी है, साथ साथ हर जगह आपको हैप्टिक्स यहाँ पे बढ़िया वाले देखने मिल जाते हैं, तो ये चीज भी मस्त निकल के आती है। तो साउंड क्वालिटी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट दिया गया है, साथ साथ डॉल्बी एटमॉस भी निकाल के ये दे देता है, तो ये भी अच्छी चीज हो जाती है। एडिशनली मैं बता दूं कि यहाँ पे साउंड बहुत लाउड है, क्लियर सुनने को मिलता है, लेकिन बेस जो है वो थोड़ा सा कम है। वैसे ओवरऑल जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन आ रहा है उसके हिसाब से इसकी साउंड सिग्नेचर मुझे काफी पसंद आई है। तो बात कर लेते दोस्तों परफॉर्मेंस की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की दोस्तों, तो यहाँ पे मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 930 प्रोसेसर देखने को मिलता है, एंड ये एक 6nm बेस्ड प्रोसेसर है, साथ साथ LPDDR4X रैम दी गई है, एंड UFS जो है ना वो 2.2 के बराबर की निकाल के दे देता है UMCP की स्टोरेज। साथ साथ यहाँ पे अब इस प्रोसेसर की बात करें कि कहाँ पे स्टैंड करता है, तो ये स्नैपड्रैगन 695 और डायमेंसिटी 920 के बीच में कहीं स्टैंड करता है, मैंने जितने भी स्कोर इसके निकाल के देखे हैं। साथ साथ यहाँ पे स्कोर्स भी आप देख सकते हो, मस्त निकाल के दे देता है, इसमें कोई भी इशू नहीं आती।
एंड थर्मल्स भी यहाँ पे सॉर्टेड निकल के आते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मैंने जितनी भी टेस्टिंग की है 39 डिग्री से ज्यादा हीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे थर्मल्स भी अच्छी निकल के आती है एंड ऐसे भी प्लास्टिक बॉडी है तो ओवर हीटिंग की कोई इशू नहीं आती। अब बात करते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे एंड्रॉइड 13 बेस्ड आता है एंड मोटोरोला का क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड बहुत ही क्लीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। साथ साथ यहाँ पे जब आप पर्सनलाइजेशन पे जाते हो ना तो यहाँ पे आपको काफी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने मिल जाते हैं जिससे आप कस्टमाइज कर सकते हो। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ब्लोटवेयर भी आपको देखने नहीं मिलते हैं तो एक्सपीरियंस मस्त बना के दे देता है ये। एडिशनली बात करें बैटरी की तो 5000 एमएच की बैटरी दी गई है, 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। वैसे इसे ज्यादा फास्ट चार्जिंग में नहीं कहूंगा, चार्जिंग स्लो ही होती है लेकिन बैटरी बैकअप अच्छी निकाल के दे देता है। साथ साथ दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, मस्त अनलॉक एंड लॉक हो जाता है, इसमें कोई भी इश्यूज नहीं आती है, एनिमेशन भी सही देखने को आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में मैं कंक्लूड करूं तो यहाँ पे एक बैलेंस परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है। और एक चीज छूट गया था, यहाँ पे गेमिंग की बात करें तो गेमिंग में यहाँ पे आपको 40 FPS की अच्छी गेमिंग करा देगा, लेकिन मैं हैवी गेमर्स के लिए ये फोन रिकमेंड नहीं करूंगा, उसके लिए आप IQ Z6 या Z7 को रिकमेंड कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में इसकी परफॉर्मेंस एक बैलेंस परफॉर्मिंग फोन निकल के आ जाती है। तो कैमरास पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस दिया गया है, 8 का अल्ट्रा वाइड दिया गया है एंड अच्छी बात ये कि कंपनी ने यहाँ पे मैक्रो लेंस का गेम नहीं खेला है, तो ये काफी सॉर्टेड चीज हो जाती है। एंड एडिशनली 16 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस की, तो यहाँ पे डिटेल्स अच्छी निकाल के देता है, लेकिन जब भी ये कोई ब्राइट कलर देखता है ना तो उसको ओवर सैचुरेट कर देता है, आप इस फोटो से अंदाजा लगा सकते हो। एक चीज मैंने नोटिस किया दोस्तों कि यहाँ पे जब आप टैप एंड शूट करते हो तो यहाँ पे जो फोटोज हैं वो थोड़े से अंडर एक्सपोज आते हैं, वैसे डायनेमिक रेंज अच्छा मेंटेन कर लेता है, लेकिन जब आप बिना टैप किए फोटो को क्लिक करते हो तो यहां पे स्किन टोन को नेचुरल रखता है लेकिन डायनेमिक रेंज थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर देता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि आपको अगर फोटो क्लिक करना हो तो यहां पे आप टैप एंड शूट करके फोटो नहीं क्लिक करें, डायरेक्ट फोटो क्लिक करें, अच्छी आउटपुट देगा। साथ साथ दोस्तों डिटेल्स एंड स्किन टोन भी सही रहती है एंड ये प्रॉब्लम मैंने हर मोड्स के साथ टेस्ट किया है एंड हर मोड में ये प्रॉब्लम फील होती है, चाहे अल्ट्रा वाइड हो या पोर्ट्रेट मोड हो। वैसे अल्ट्रा वाइड लेंस की बात रही, 8 मेगापिक्सल के हिसाब से अच्छी डिटेल्स मस्त फोटो निकाल के दे देता है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की दोस्तों, तो यहां पे वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट्रेट एज डिटेक्शन मुझे देखने मिला है इस पर्टिकुलर डिवाइस के साथ। जिस प्राइस पॉइंट पे आता है यहां पे पोर्ट्रेट मोड में कोई भी इश्यूज नहीं है, बस यहां पे इशू जो आती है वो है ना कि फ्रंट कैमरे से जब आप पोर्ट्रेट मोड लेते हो और दो ह्यूमन सब्जेक्ट रहते हो तो एज डिटेक्शन में थोड़ी सी इशू क्रिएट करता है। वैसे दोस्तों फ्रंट कैमरे की क्वालिटी की बात करें तो स्किन टोन को थोड़ा सा वाइटिश करता है एंड डायनेमिक रेंज जो है HDR जो है वो थोड़ा सा मैनेज करने में लैक करता है। वैसे अब बात करते हैं दोस्तों नाइट मोड की क्वालिटी की, तो वो सुपर डुपर जबरदस्त निकल के आती है, डार्क से डार्क सिचुएशन में भी मस्त नाइट मोड की फोटोज निकाल के दे देता है, तो ये चीज भी मस्त निकल के आ जाती है। लेकिन बात रही दोस्तों यहां पे प्रॉब्लम जो आती है कि फ्रंट कैमरे से जब आप नाइट मोड में फोटो लेते हो तो ओवर कॉन्ट्रास्टिव फोटोज निकाल के देता है एंड कलर्स एंड स्किन टोन को अननेचुरल बना देता है। तो ओवरऑल मैं कैमरास के मामले में कह सकता हूं कि जो बैक कैमरा है वो अच्छा वर्क कर रहा है लेकिन फ्रंट कैमरे में ऑप्टिमाइजेशन की थोड़ी सी जरूरत है। बात कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो बैक कैमरे से 1080p 60 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो एंड जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन आता है ना उसके हिसाब से यहाँ पे इसकी वीडियो क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी है, बहुत ही मस्त वीडियो निकाल के दे देता है। साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हो इस वीडियो में मैं रन कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टेबिलाइजेशन भी अच्छी खासी निकाल के दे रहा है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो एक वीडियो मैं प्ले करता हूँ, उससे आपको आइडिया लग जाएगा इसकी फ्रंट कैमरे की क्वालिटी का। तो ये वीडियो शूट हो रही है फ्रंट कैमरे से 1080p 30 FPS में मोटोरोला G73 से, कैसी क्वालिटी आ रही है आपको अंदाजा लग रहा होगा एंड मैं हल्का फल्का वॉक भी कर रहा हूँ तो उससे आपको स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया लग जाएगा। एंड आप डायनेमिक रेंज को देखें तो यहाँ पे डायनेमिक रेंज ब्लोन आउट कर दिया लेकिन मेरे फेशियल एक्सपोजर को सही रखा है। तो ओवरऑल कैमरास की बात करें दोस्तों तो बैक कैमरा इस फोन का काफी अच्छा निकल के आता है, 50 मेगापिक्सल सॉर्टेड है लेकिन फ्रंट कैमरे में थोड़ी सी सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत मुझे फील हुई है। तो वायरलेस कनेक्टिविटी पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमें NFC का सपोर्ट मिल जाता है एंड ये बहुत बड़ी बात है, इस प्राइस रेंज में ना NFC मिलना बहुत मुश्किल होता है। साथ साथ लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दिया गया है, साथ साथ यहाँ पे 5G प्लस देखने को मिलता है जब यहाँ पे आप 5G पे स्विच करते हो, साथ साथ 4G प्लस का कैरियर एग्रीगेशन भी यहाँ दिया गया है, कॉलिंग वॉलिंग जो है वो सब सॉर्टेड निकल के आती है। तो वायरलेस कनेक्टिविटी भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी और रिलायबल निकल के आती है इस पर्टिकुलर फोन के साथ। तो कंक्लूजन पे आते हैं दोस्तों, एंड कंक्लूजन सुनने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तो मेरा सिंपल सा कंक्लूजन है कि ये एक बैलेंस फोन निकल के आता है, हर सेगमेंट में बैलेंस परफॉर्म करता है, साथ साथ यहाँ पे एक अच्छी डिजाइन भी आपको ये प्रोवाइड कर देता है। तो मेरा कहना है कि आप इस प्राइस पॉइंट पे इस फोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो एंड दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हो।
तो बस गाइज आज के वीडियो के लिए इतना, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, बाय। तो ये है ट्राई शॉट एंड हम शूट कर रहे हैं मोटोरोला की तरफ से मोटो G73, देखते हैं कैसी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है।